ओके तो गाइस सबसे पहले आपको ऐड करना होगा अपने बैकग्राउंड को, एंड इसके बाद आपको पेंसिल वाले टूल पर जाना होगा, एंड सिंपली आपको डबल एक्सपोजर पे टैप करना होगा, एंड यहाँ से आपको ना अपने मॉडल को ऐड करना होगा, ठीक है। एंड ऐड करने के बाद आपको इसकी ओपेसिटी फुल इंक्रीज कर लेनी होगी। ओके गाइस वापस से आपको पेंसिल वाले टूल पर जाना होगा, एंड आपके पास यहाँ पर आपको ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन मिलेगा, इसे ऐड करना होगा, मतलब इसे सिलेक्ट करना होगा, एंड ब्राइटनेस को -6 के आसपास रख देना होगा, जिससे हमारा फोटो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। वापस से हमें पेंसिल वाले टूल पर जाना होगा, एंड ट्विन इमेज पर जाना होगा, एंड ब्राइटनेस मतलब जितने भी यहाँ पे ऑप्शन है ना उनको आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ओके गाइस इतना काम आपको यहाँ पे कर लेना है। इतना काम करने के बाद आपको यहाँ पे आना होगा, एंड यहाँ से विल बी एडिट्स, यहाँ पे फिर ट्विन इमेज पर वापस आपको टैप करना होगा, एंड यहाँ पे आपको कलर को कम कर देना होगा, ठीक है। एंड इस तरीके से आपको पेंट करना होगा। यहाँ पे अगर आपको लगे नहीं कि भैया कलर कम या ज़्यादा हो रहा है, तो इस तरीके से आप ट्विन इमेज को इंक्रीज भी कर सकते हो, एंड यहाँ पे इस तरीके से ब्लैक कलर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जिससे जो हमारा फोटो है ना वो एकदम रियलिस्टिक लगे। तो यहाँ पे इतना काम करने के बाद आपको कर देना होगा डन। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा फोटो काफ़ी क्रिएटिव लग रहा है। इसके बाद वापस से आपको क्या करना होगा, पेंसिल वाले टूल पे जाना होगा, एंड अब की बार आपको वापस से ना डबल एक्सपोजर पे जाना होगा, एंड यहाँ पे आपको एक लाइटिंग का पीएनजी ऐड कर लेना होगा, ठीक है। तो ये लाइटिंग का पीएनजी का लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप गूगल से भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। एंड इसके बाद इसको लाइटिंग कर देना होगा, एंड इसकी ओपेसिटी को आपको कम रखना होगा, ठीक है, जिससे कि मतलब ये एकदम रियलिस्टिक तरीके से यहाँ पे एग्जिस्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमारे को इतने स्टेप फॉलो कर लेनी है। वापस से हमें पेंसिल वाले टूल पे जाना होगा, एंड अब की बार हमें ना सिलेक्टिव टूल को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिलेक्टिव टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड हमको हमारे फेस को हल्का सा ग्लो करना होगा, ठीक है। वैसे ही ब्लैक एंड वाइट में इतना पता नहीं चलता, बट फिर भी हमें करना होगा क्योंकि हमारा फोटो है ना एकदम रियलिस्टिक तरीके से एडिट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे इतनी स्टेप फॉलो हो गई है। अब इसके बाद हमें जाना होगा डिटेल्स में, एंड हमें फ़ोटो की डिटेल्स को इंक्रीज कर लेना होगा। बस यहाँ पे आपको इतनी स्टेप फॉलो कर लेनी है। अब इसके बाद फोटो को शेयर करना होगा अपने ऑटो डिस्क्रिप्शन बुक एप्लीकेशन के अंदर, जिसमें गाइस हम सीखेंगे हेयर बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे हेयर की एडिटिंग के ऊपर मैंने पहले काफ़ी सारी वीडियोज़ बना रखी, जिसमें मैंने आप सभी को सब पता रखा है कि आपको फेस को कैसे स्मूथ करना है, हेयर कैसे एडिट करनी है, मतलब सब चीज़ें बता रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हमें टूल्स में जाना होगा, इन टूल्स में जाने के बाद हमें यहाँ पे ब्रश सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कौन सा ब्रश किस मतलब कैसे सिलेक्ट करना है, यह सब मैंने उन वीडियोस में बता रखा है। अगर आपको जानना है तो वो वीडियोस आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल हमने ब्रश सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे हम इसकी साइज़ बढ़ा लेते हैं, एंड इसके बाद हमें क्या करना होगा कि इस तरीके से इसे यहाँ पे अप्लाई करना होगा, ठीक है, जिससे कि हमारी हेयर एकदम अच्छे से एडिट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी अगर आपको डिटेल में जानना तो वीडियोस आप मेरे चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फटाफट से कर लेता हूँ। एंड गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, एंड घर पे ही जरूर रहना, ठीक है गाइस।